नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 20 वर्सेस वीवो वाई 28S 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 20 में 194 ग्राम जबकि वीवो वाई 28S में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो स्पार्क 20 में IPS LCD जबकि वीवो वाई 28S में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 20 में 6.6 इंचेस जबकि वीवो वाई 28S में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 20 में 84.98% जबकि वीवो वाई 28S में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 20 में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि वीवो वाई 28S में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 20 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और वीवो वाई 28S की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो स्पार्क 20 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और वीवो वाई 28S की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और वीवो वाई 28S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो स्पार्क 20 में माली G52 MC2 जबकि वीवो वाई 28S में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 20 में मीडिया टेक हीलियो G85 और वीवो वाई 28S में मीडिया टेक डायमंड सिटी 6300 मिलता है। बात करें रैम की तो स्पार्क 20 में 8 GB जबकि वीवो वाई 28S में 4 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो स्पार्क 20 में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि वीवो वाई 28S में एक ही विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्पार्क 20 में एंड्रॉइड V13 जबकि वीवो वाई 28S में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 20 में 4 कलर्स जबकि वीवो वाई 28S में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 899 रुपीस में मिलता है। और बात करें Vivo Y28s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 20 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करिए Vivo Y28s 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में स्पार्क 20 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Vivo Y28s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।